ठीक है, टॉपिक क्या होगा, रोमन नंबर होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदू अरेबिक। ठीक है, हिंदू अरेबिक किसे बोलते हैं, 1 2 3 वो जो होता है सब होता है हिंदू अरेबिक नंबर्स। ठीक है, जैसे 1 को आई बोलते हैं, 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, 6 को वी आई, ठीक है, 7 को वी डबल आई। ठीक है, जो हम क्लास लिखते हैं ना वो सिर्फ कहते हैं रोमन नंबर। ठीक है, 9 को आई एक्स और 10 को एक्स, ऐसे 50 को एल कहते हैं और 100 को सी बोलते हैं सेंचुरी, 500 को डी कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट इन रोमन नंबर्स, क्वेश्चन को रोमन नंबर में लिखना है। देखिए नंबर क्या है, 27 लिखा है ना, 27 तो इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, देखिए पहले इसके पार्ट्स करना है, क्या करना है इसको, पार्ट्स 27 है तो हम इसके पार्ट्स करेंगे 10 + 10 + 5 + 2 इसके रूप में पार्ट्स करेंगे। जैसे लिखे हुए, जैसे 10 को क्या बोलते हैं, देखिए 10 और 10 की तो 20 25 और 27, 10 को क्या कहते हैं, x कहते हैं। देखिए 10 के सामने क्या लिखा हुआ, x, तो यहाँ लिखेंगे x, फिर 10 है x, 5 को क्या बोलते हैं, 5, देखिए 5 को क्या बोलते हैं, वी, 5 लिखा ना, वी वी लगा दिया, और 2 को क्या बोलते हैं, डबल आई। आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना हमें, 9 है ना, 9 को क्या लिखते हैं, 9 को कैसे लिखना, देखिए 9 लिखा हुआ क्वेश्चन में पर भी, देखिए 9 जो है, देखिए 9 लिखा है ना, आई एक्स, क्या बोलते हैं, आई एक्स, कितना इजी क्वेश्चन था। और देखिए इसके क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो 90 को कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें देखना सबसे बड़ी कौन सी, 90 देखिए 100 से छोड़ी है और 50 से बड़ी है, ठीक है 90, तो क्या करना है, इसे 90 को टुकड़े करें, 50 + अब देखिए 90 में से 50 का कितने बचे, 40, तो ऐसे लिखेंगे 10 + 10 + 10, ठीक है 50 60 70 80 90। 50 को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब रोमन नंबर में क्या बोलते हैं 50 को, एल, क्या बोलते हैं, एल। 10 को क्या बोलते हैं, एक्स 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 एल ट्रिपल एक्स, ठीक है कितना गया इसका आंसर, यार कितना शॉर्ट आंसर। और देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे कि 101 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है तो इसकी भी इसके क्या करने, पार्ट्स 100 लिखा प्लस 1, 100 में 1 ऐड में कितना 101, ठीक है अब देखिए 100 को क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, 100 को बोलते हैं सी, क्या बोलते हैं सी, और 1 को क्या बोलते हैं आई सी आई, कितना आसान क्वेश्चन था, आंसर भी इसी से आ गया। दूसरे देखिए और क्वेश्चन इसी के, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 600, क्वेश्चन लिखा हुआ है 600, तो इसके भी पार्ट्स कर लीजिए 500 + 100 कितने हो गए 600, 500 को क्या बोलते हैं डी बोलते हैं ना, डी लिखी हमने, और 100 को क्या बोलते हैं क्वेश्चन में सी, तो क्या गया डी सी। और देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000 को कैसे लिखेंगे, पार्ट कर लीजिए 500 + 500, ठीक है 500 को क्या बोलते हैं डी, और 500 को क्या बोलते हैं डी, आंसर आ गया, कितना इजी आंसर था। ठीक है और देखिए क्वेश्चन के, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 16, ठीक है और दूसरा लिखा हुआ है 29, देखिए 16 जो है 16 तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा इसमें, तो हम इसके पार्ट्स करेंगे, क्या करेंगे पार्ट्स, 10 प्लस कितना होगा 6 को ले लीजिए 6, 10 को क्या बोलते हैं x और 6 को क्या बोलते हैं वी आई, आंसर आ गया इसका इतना सा। दूसरा देखिए 29 है, 29 आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे पार्ट्स 10 + 10 + 9, ठीक है 10 को क्या बोलते हैं x, 10 को क्या बोलते हैं x और 9 को i x, आ गया आंसर इसका तो इजी। ठीक है और देखिए क्वेश्चन अगर कहके, अगर क्वेश्चन में इसका इनवर्स पूछ ले, मतलब हिंदू अरेबिक में पूछ ले, हिंदू अरेबिक, ठीक है उस केस में कैसे करेंगे, देखिए वी लिखा हुआ है क्वेश्चन में,
देखिए एक्स 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 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन दे रखा वी, क्वेश्चन पूछ रहा है राइट इन हिंदू अरेबिक नंबर, मतलब इस क्वेश्चन को इसको इस रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वी वी कहा लिखा है, येरा वी के सामने क्या लिखा है क्वेश्चन में, पांच फाइव, कहा लिख दिया फाइव, ठीक है वी किसे बोलते हैं फाइव को। देखिए एक्स एक्स के सामने क्या लिखा है इसमें, टेन लिखा ना टेन, तो टेन लिखेंगे यहाँ पर, प्लस फिर टेन फिर प्लस फिर टेन, क्योंकि तीनों एक जैसी हैं। अब इन सब पर बोलो टेन 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 के तो भाई हार हो गए, ये हो गया आपका आंसर। और देखिए क्वेश्चन इसमें के सी पार्ट एक्स वी बी पार्ट एक्स एक्स और ये एल। देखिए क्वेश्चन में लिखा है एक्स वी, एक्स किसे बोलते हैं टेन को, टेन लिख लिया, प्लस वी किसे बोलते हैं, वी बोलते हैं पांच को फाइव को, टेन और फाइव तो गए फिफ्टीन, मिला के आपका आंसर। दूसरा देखिए एक्स किसे बोलते हैं, एक्स बोलते हैं टेन को, प्लस एक्स टेन को, और एल किसे बोलते हैं, एल बोलते हैं फिफ्टी को, इन तीनों को एड करने पर कितना आएगा सेवनटी, ठीक है कितना आसान आंसर था। और देखिए अगर क्वेश्चन को इसी को ही हिंदू अरेबिक में पूछे लेकिन दूसरे फॉर्म में, हिंदू अरेबिक में कैसे, अगर लिखा क्वेश्चन में सेवन तीन, ठीक है सेवनटी बी थर्टी फोर, थर्टी फोर अगर क्वेश्चन को इस रूप में लिखेंगे मतलब पूछेगा तो कैसे निकालना है इसका आंसर, इसका एक बेहद आसान तरीका है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है सेवनटीन, लेकिन किसमें निकालना है राइट इन हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक लिखा है ना, इस रूप में हमें निकालना है इसका आंसर कैसे, सेवनटीन सेवनटीन किसे बोलते हैं, सेवनटीन तो किसे बोलते हैं टेन प्लस सेवन कितना होता है सेवनटीन, आंसर कितना गया सेवनटीन, कितना आसान था। थर्टी फोर, थर्टी प्लस फोर कितना हुआ थर्टी फोर, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई आपको समझना है तो हमारी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है थैंक यू, लिख लीजिए और आपका क्वेश्चन।